क्या आप एक्टिव से पैसिव बनाना जानते हैं? क्या आप एक्टिव और पैसिव सेंटेंस को पहचान लेते हैं? यदि नहीं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, सारे आपके डाउट क्लियर कर देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत और आज हम जानेंगे 5 परफेक्ट टेंस के एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे बनाते हैं। तो आइए समझते हैं। ही हैड रिटन आ लेटर, तो सबसे पहले पहचानेंगे ये किस टेंस का है। तो देखिए यहाँ पर हैड लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे पास परफेक्ट टेंस में आती है। ना ही इसमें नॉट लगा है और ना ही यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है। इसका मतलब ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है और एक्टिव सेंटेंस है। क्यों एक्टिव है? क्योंकि यहाँ पर रिटन, ये लिखने का काम ही के द्वारा किया जा रहा है, यानी काम करने वाला कर्ता स्वयं है, ना कि कोई और। तो इसलिए हमारा ये एक्टिव सेंटेंस है। इसको पैसे में कैसे बनाएंगे? बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। बस हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट लिखा है उसको उठाकर ले आना है ही की जगह पर, यानी सब्जेक्ट की जगह पर। ही सब्जेक्ट है, उसकी जगह पर ए लेटर को सब्जेक्ट बना देना है। तो ए लेटर को हमने सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद एच वी यहाँ पर हेड है, तो हेड ही रहेगी। इसको आप यूं समझ सकते हैं कि हेड के साथ बीन बढ़ जाएगा, या यूं समझ सकते हैं कि इस टेंस की जो एच वी होती है पैसे बनाते समय, वो इसके अगले टेंस अर्थात पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की आती है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं या यूं समझ सकते हैं कि इसी टेंस की एच वी के साथ बीन लग जाता है। तो उसके बाद एच वी हम हैड भी लिख देंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, उसके बाद बाय लगा देंगे, और बाय लगाकर जो हमारा सब्जेक्ट ही था उसको पहुंचा देंगे हम ए लेटर की जगह पर। ए लेटर आ गया ही की जगह पर और ही चला गया ए लेटर की जगह पर। जब ही सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में जाएगा तो किस में बदल जाएगा? हिम में बदल जाएगा, क्योंकि पहले वो सब्जेक्ट था तो ही था, लेकिन जब ही जब ऑब्जेक्ट में जाएगा तो अब वो सब्जेक्ट नहीं रह गया, अब सब्जेक्ट बन गया ए लेटर। तो ही हमारा जब ऑब्जेक्ट में जाएगा तो वो हिम में बदल जाएगा। आप इनको ध्यान रखें, ये जब सब्जेक्ट में लिखे होंगे तो इन वर्ड्स में लिखे जाएंगे, तो इन्हीं को जब हम ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे तो वो इन में चेंज हो जाएंगे, और इन्हें अगर इधर लाना है तो वो इन में बदल जाएंगे। इस बात को हमें ध्यान रखना है। इस टेंस में जो पैसिव बनाते समय जो हमारी एच वी लगेगी वो हेड बीन लगेगी, यानी इसी हेड के साथ बीन बढ़ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म वही रहेगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ए लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम, कितना ईजी है, बस सूत्र को फॉलो करते चले जाइए, बाकी अपने आप एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। ऑर्डर नहीं चेंज होगा, ऑर्डर वही रहेगा, कर्ता क्रिया कर्म, ऑर्डर नहीं चेंज हुआ है, बस दो शब्दों का आदान प्रदान हो गया है। इसके नेगेटिव को समझते हैं। बॉयज हैड नॉट किल्ड मैनी फ्रॉग्स, सबसे पहले पहचानेंगे। देखिए यहां पर हैड लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, और नॉट लगा है तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, और कैसा है? एक्टिव है, क्योंकि बॉयज ही यहाँ पर किल्ड यानी मारने का काम कर रहे हैं, किसको? फ्रॉक्स हो, तो यानी किल्ड जो क्रिया की जा रही है वो स्वयं कर्ता के द्वारा की जा रही है, इसका मतलब ही हमारा एक्टिव सेंटेंस है। इसको पैसे में कैसे ले जाएंगे? कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट देखिए, किल्ड मारा जा चुका है, किसे मारा जा चुका है? मैनी फ्रॉक्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसे उठाकर ले आएंगे हम कहाँ? वॉइस की जगह पर। तो मैनी फ्रॉक्स हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, पहले वॉइस था, अब हमने मैनी फ्रॉक को सब्जेक्ट बना दिया। इस टेंस में एक दिक्कत नहीं है, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो, एच भी हमें हैड वीन ही लगाना है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे हमारी एच वी हैड वीन है, तो नॉट कहाँ आ जाएगा? हैड और बीन के बीच में आ जाएगा, यानी पहले हैड फिर नॉट फिर बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तो यहाँ लिखी ही है, उसके बाद बाय, और उसके बाद जो यहाँ पर सब्जेक्ट बॉयज था उसको उठाकर कहाँ ले जाएंगे? मैनी फ्रॉक की जगह पर, यानी बॉयज जो सब्जेक्ट है उसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। हमारा सेंटेंस बन गया, मैनी फ्रॉक्स हैड नॉट बीन किल्ड बाय बॉयज, कितना आसान है। कुछ किया हमने? कुछ नहीं, बस मैनी फ्रॉक को उठाकर बॉयज की जगह पर और बॉयज को उठाकर मैनी फ्रॉक्स की जगह पर। दूसरे स्टेंस में एच वी का भी कोई चक्कर नहीं है, एच वी वही हेड भी लगना है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो। बस नेगेटिव में ये हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो नॉट है वो हेड बीन के बीच में आ जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट में भी लगती है और पैसे में तो लगती ही लगती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दिल लगाकर मेहनत लगाकर पढ़ाई करें, अपने माँ बाप के सपनों को और अपने सपनों को पूरा करें, देश का नाम रोशन करें, अपने गांव, अपने परिवार, अपने शहर का नाम रोशन करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई चैनल, गेट नॉलेज। बाय बाय। जय हिंद।